हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एडुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 18 सितंबर 2016 का सीटेट का सॉल्व पेपर देखेंगे। ये एनवायरनमेंट का जो टॉपिक होता है ये 30 नंबर का आता है, और इसके पहले हमने दो पेपर जो है सॉल्व किए हैं। वो एक 9 दिसंबर 2018 का पेपर था और एक था इसका ये 7 जुलाई 2019 का पेपर। तो ये दो पेपर जो हैं ओल्ड पेपर सॉल्व हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट वाला पेपर देखते हैं। ये नेक्स्ट पेपर जो है ये है 18 सितंबर 2016 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें सिर्फ जो पर्यावरण का टॉपिक है तो उसी को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? तो चार ऑप्शंस हैं, देखते हैं ऑप्शंस को। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इनमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। आगे का ऑप्शंस देखते हैं। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसके कूट दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बी और सी, दूसरा है ए बी और डी, तीसरा है ए सी और डी, और चौथा है बी और डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए बी और डी। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो और लड़कों और लड़कियों को जो है समान रूप से रुचिकर लगे, और नेक्स्ट है जो डी नंबर दिया है, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो ज़रूरी नहीं होता है कि पर्यावरण में जो है मूलवान सामग्री की ही आवश्यकता हो या मूलवान सामग्री ही लगाई जाए। तो इस प्रकार से इसका दूसरा आंसर सही होगा, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी मतलब ये दिए गए हैं उसमें से एक ऐसा है जो पक्ष में तर्क प्रस्तुत नहीं कर रहा है, विद्यार्थियों के शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत नहीं कर रहा है। तो देखते हैं ऑप्शंस, देखते हैं। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, नेक्स्ट है प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो इसका 4 नंबर पॉइंट इसका सही है। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, ये इसका आंसर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला है दंतकार, दूसरा है कागज पेंसिल परीक्षण, तीसरा है मौखिक प्रश्न, और चौथा है निर्धारण मापनिया। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है मौखिक प्रश्न जो है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो ऑप्शंस हैं, कुछ सब्जियां फल होती हैं, दूसरा है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, तीसरा है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, चौथा है घास पौधा नहीं है। आंसर होगा कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते? तो उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? तो ये पूछा गया है कौन से आकलन की मतलब संभावना नहीं है। तो नंबर 1 है चर्चा, दूसरा है प्रश्न पूछना, तीसरा है अभिव्यक्ति, और चौथा है प्रयोग।
तो यहाँ पर सिर्फ बात को पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है इसका 4 नंबर आंसर जो सही होगा, प्रयोग, यहाँ पर किसी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, दूसरा है कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, तीसरा है बच्चों की सृजनशीलता का विकास करना, और चौथा है बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका दूसरा जो ऑप्शन है सही होगा, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ये इसका सही आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। तो ये प्रश्न कुछ दिए हैं, ए नंबर है, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, बी नंबर है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, सी नंबर है, मेरी शक्तियाँ क्या थीं, डी नंबर है, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ऊपर दिए गए चार प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा, इन बन नंबर है, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वय आकलन, दूसरा है शिक्षक और समग्र आकलन, तीसरा है बच्चों का स्वय आकलन, और 4 नंबर है शिक्षकों का स्वय आकलन। तो इसका जो सही आंसर है यह है बन नंबर, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वय आकलन, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। तो 4 ऑप्शंस देखते हैं इनके, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ये इसका 3 नंबर, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, बाकी के जो ऑप्शन हैं ये सभी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि परिभाषाओं पर बल किस जो शिक्षा होती है या कोई भी शिक्षा से संबंधित है तो उस पर बल नहीं दिया जाता है, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए ये भी इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा, और ये समझने में कठिन होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भी ये जो है 3रा नंबर ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, नंबर ए है सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा है अवलोकन का विकास करना, सी नंबर है वर्गीकरण कौशल का विकास करना, और डी नंबर है डाटा संग्रह का विकास करना। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है, पहले का है बी सी और डी, दूसरे का है ए सी और डी, तीसरे का है ए बी और सी, और चौथे का है ए सी और डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका 3 नंबर सही है, ए बी और सी, ये इसका जो है आंसर जो है, मतलब बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना और वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ये मतलब 3 ऑप्शंस जो हैं इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है मैं पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर है, बन नंबर है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, तीसरा है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, नेक्स्ट है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो इसका जो है वन नंबर ऑप्शन जो है ये इसका सही है, विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टि से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है? तो ए नंबर है समुदाय के साथ अन्योन क्रिया का अवसर प्रदान करना, दूसरा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सी नंबर सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, और डी नंबर है आकलन के एक अवसर के रूप में इनका प्रयोग करना। तो इसके जो कूट दिए गए हैं उपरोक्त में कौन सा सही है? ए नंबर वन नंबर है ए सी और डी, दूसरा है ए बी सी डी, और तीसरा है ए बी और सी, और चौथा है ए बी और डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा नंबर, इसका सही होगा ये टू नंबर जो है इसका सही होगा। ये ए नंबर इसका सही, बी नंबर भी सही है, सी नंबर भी सही है, और डी नंबर, इसलिए इसका जो आंसर है ये डी नंबर आंसर इसका सही है, सॉरी दूसरा नंबर सही है, यानी कि ए बी सी डी ये चारों ऑप्शंस इसके सही हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश दिया गया है 12 से प्रश्न संख्या 14 तक के लिए, निम्नलिखित अवतरण पर आधारित शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका बाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 6 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। तो शिक्षक द्वारा एक कटोरे में पानी उबालने पर उसका बाष्पीकरण हो गया है, तो 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा उत्तर दिए गए हैं। कुछ ऐसे कहा है पानी गुम हो गया है, कटोरे ने पानी सोख लिया है, आग ने पानी पी लिया है, भगवान ने पानी पी लिया, इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं। तो इसका क्वेश्चन वन है, मतलब वैसे तो इसका जो चार इसके कितने 12, 13, 14 तीन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये है ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। तो चार ऑप्शंस दिए हैं, बाष्पीकरण के बारे में बच्चों की विकल्पीय विचार हैं, दूसरा है बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, तीसरा है बच्चों की सोच गलत है, चौथा है बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। तो इसका सही आंसर होगा बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पीय विचार हैं, बच्चों को जिस प्रकार से जो भी उन्हें समझ में आता है वो उस हिसाब से अपने आंसर करते हैं। तो इसका वन नंबर आंसर जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है शिक्षक को इन उत्तरों को सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो शिक्षक जो है उनका जो बच्चे हैं उन्होंने उनको आंसर दिया है तो उनका सामना किस प्रकार से करना चाहिए ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, दूसरा है तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, कभी भी बच्चे को गलत साबित नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, तीसरा है बाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें, चौथा है उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। तो इसका ये भी आंसर गलत हो जाएगा, और याद तो कुछ कराना ही नहीं है बच्चों को ज़बरदस्ती से, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। इसका यही आंसर सही होगा उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए चर्चा का प्रारंभ करें, यानी कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे से याद करवाना है, ना कि उनको ज़बरदस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है बाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, दूसरा है क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, तीसरा है जल चक्र के क्रम में सोपानों की सूची बनाइए, चौथा है जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। तो इसका सही आंसर होता है क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए नंबर है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तीसरा है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, और चौथा है उत्तराखंड और राजस्थान, और पूछा गया है जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये इसके जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, क्योंकि ये हिमाचल तो हो जाएगा, यहाँ पर उत्तराखंड नहीं होगा, और ये हिमाचल के बाद यूपी ये नहीं होगा, और ये उत्तराखंड ये और राजस्थान ये दोनों ही उसके पास नहीं है, तो इसलिए इसका दूसरा नंबर जो है, तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा तो वो इसका
हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो हैं ये जम्मू और कश्मीर के जो हैं पड़ोसी राज्य हैं, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान घरों के विवरण, सही विवरण का मिलान कीजिए। तो इसमें कुछ क्षेत्र हैं उनके वहाँ पर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं तो उनका सही मिलान करना है। तो एक साइड स्थान दिए गए हैं और इस साइड दिए गए हैं घर। तो पहला नंबर है, ए नंबर है मनाली, दूसरा राजस्थान, असम, लद्दाख, और इस साइड जो है इसके घर दिए गए हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, दूसरा है पत्थर और लकड़ी से बने हुए ढालू छतों वाले घर, और तीसरा है ये हाउस बोट और मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये घर बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो है मनाली, तो मनाली जो है मनाली में पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। तो इसका जो है मनाली का ये दूसरा वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इससे इसका मिलान होगा। और राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाते हैं, तो ये ऑप्शन जो है ये चौथे से मिल जाएगा जाके। और असम बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं असम में, तो इसके लिए इसका वन नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और लद्दाख में जो है हाउस बोट वाले घर जो हैं वो लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें जो होती हैं वो लकड़ी की होती हैं, तो जो है उसे हाउस बोट बोलते हैं, तो ये इससे हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर देखते हैं, इसका जो आंसर है वो थ्री नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ये थ्री नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिजाइन। तो ऑप्शन देखते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं, दूसरा उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, तीसरा है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, और चौथा नंबर जो है उसकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन को ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं और उनका उस जंगल भूमि पर और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, दूसरा है भारतीय जंगल अधिनियम 1927, तीसरा है जंगल अधिकार अधिनियम 2007, और चौथा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका थ्री नंबर जो है वो सही होगा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा जो है जंगल में उनको अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो चार दिए गए हैं, सिर्फ ये बताना है कि कौन से जो बीमारी हैं वो सभी जो है मच्छरों के द्वारा फैलने वाली हैं। तो पहले का है म्यादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, दूसरा है मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू, और तीसरा है HIV, एड्स, हैजा, डेंगू, चौथा है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो इसका जो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ये हैजा जो है ये मक्खी के द्वारा फैलता है और गंदगी से फैलता है, ये HIV जो है एड्स वायरस के द्वारा फैलता है, ये भी इसका नहीं होगा, इसमें भी HIV एड्स दिया है, ये भी आंसर जो है नहीं होंगे क्योंकि ये वायरस के द्वारा फैलता है। और जो ये लास्ट में चौथा ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो ये सभी जो है मच्छर के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है घटपर्डी पौधा। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटपर्डी पौधा के बारे में हर साल एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें। तो घटपर्डी पौधा जो है इसे नेपेंथिस कहते हैं। तो इसके चार ऑप्शन दिए हैं, का मुंह छोटी छोटी कंटिकाओं से ढका होता है, दूसरा है भारत में नहीं पाया जाता, तीसरा है मेटकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, लास्ट ऑप्शन है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की ध्वनियां निकालता है। तो इसका जो सही आंसर है ये मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ये इसका सही आंसर है, ना कि वह कि ये ध्वनियां निकालता है, ये भी नहीं है, भारत में नहीं पाया जाता, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ये मुंह
छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ढापन पाया जाता है। इस प्रकार से ये नेपेंथिस होता है और यहाँ पे एक ढापन लगा होता है, तो ये पाया जाता है। तो इसका जो है तीसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ चार ऑप्शन दिए हैं। आंवला, पालक, गुड़। दूसरा है आंवला, पालक, आलू। तीसरा है आंवला, आलू, टमाटर। और नेक्स्ट है बंद गोभी, भिंडी, गुड़। तो जो हमें बताना है कि लौह तत्व जो है, तो इसमें आंवला में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, पालक में भी पाए जाते हैं, गुड़ में भी पाए जाते हैं, तो यही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बाकी में देखिए आलू में लौह गुड़ नहीं पाए जाते, यहाँ भी आलू ऑप्शन दिया है, और यहाँ भिंडी, ये बंद गोभी, इसमें भी जो है लौह तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, तो इसका जो है वन नंबर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे उज्बेकिस्तान से, दूसरा है दक्षिण अमेरिका से, तीसरा है अफगानिस्तान से, और चौथा है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये इसका सही आंसर होगा, ये जो मिर्च है इसे लाने वाले जो है दक्षिण अमेरिका से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो इसका सही आंसर है, इसका फोर नंबर आंसर जो है, फाख्ता पक्षी जो है कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, ये इसका सही आंसर होगा। बाकी के जो ऑप्शन है, शकरखोरा गलत है, ये बया कलचड़ी, तो ये सभी ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे, फाख्ता इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। देखो क्या विवरण में दिया है, देखते हैं। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियों खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ऑप्शन देखते हैं, वन है लंगूर, दूसरा है चिंपैंजी, पेंडा, स्लॉथ। तो बताना है कि कौन सा ये भालू जैसा दिखता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथा नंबर, स्लॉथ जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किसकी किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो बताना है कि कौन से जो है, पूरा इन्होंने एक एक सेट दिया है। पहला नंबर ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ, सांड। दूसरा है सांप, रेशम कीट, छिपकली। तीसरा है चील, गरुड़, गिद्ध। और चौथा जो ऑप्शन है वो है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो इसका जो सही आंसर होगा यह चील, गरुड़, गिद्ध। ये जो होते हैं इनकी जो दृष्टि होती है वो बहुत अच्छी होती है और ये मनुष्य से 4 गुनी अधिक दूरी तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो गलत हो जाएंगे। तो ये इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। तो देखते हैं क्या विवरण दिया है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो यह है बताना है कि जो इस प्रकार से जो बना किया जाता है वो किस प्रकार की खेती में किया जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सहकारी खेती, दूसरा है झूम खेती, तीसरा है सीढ़ी नुमा खेती और चौथा है सिंचाई खेती। तो ये तो बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन था, इसके दूसरा नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जो झूम खेती होती है जो, तो इसमें यही किया जाता है, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो ऑप्शन देखते हैं, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, दूसरा है उस वाद्य यंत्र को सुनकर, तीसरा है उस वाद्य यंत्र को ध्वनि को सुनकर, चौथा है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका वन नंबर जो सही होगा, क्योंकि जो सर्प होते हैं वो कंपनों
से ही अनुक्रिया करते हैं, तो इसका ये सही आंसर होगा। बाकी के सुनकर, सुनकर गति, वाद्यंत्र की गति को देखकर, तो इस प्रकार से ये सारे जो ऑप्शन हैं वो गलत हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, परिवार एक इकाई होता है जिनमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, यह कथन। तो देखते हैं इसके ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है सही नहीं है, क्योंकि यह कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। दूसरा है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तीसरा है सत्य, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। और चौथा ऑप्शन है यह सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका टू नंबर आंसर सही होगा। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और यह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो चार ऑप्शन देखते हैं, देखते हैं उभयधर्मी, दूसरा उदासीन, तीसरा अम्लीय और चौथा है क्षारीय। तो यहाँ पर जो है प्रकृति, जो इसका नेचर क्या है आमाशय रस का, तो उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका थ्री नंबर आंसर सही होगा, अम्लीय होता है। जो आमाशय रस की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा तीन के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों और विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। तो देखते हैं, दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियाँ, और दूसरा है बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ। तो आगे देखते हैं, शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है। चार ऑप्शन दिए हैं, यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। दूसरा है, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिनकी सराहना होनी चाहिए। तीसरा है, बच्चे अनुभवों पर निर्भर करते हैं, उन्हें करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है, वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो इसका जो सही आंसर है ये फोर नंबर इसका सही आंसर है, वर्गीकरण का कार्य जो है बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 18 सितंबर 2016 का पर्यावरण का भाग। तो और भी अगर इसके जो आपको वीडियो देखने हैं, तो पर्यावरण के जो भी सॉल्व पेपर हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो बस ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।